हाय गाइस, आई एम वरुण बंसल। आप कम हैं फ्रॉम दिल्ली है। मेरे को हेयर लॉस हो रहा था और आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अभी फाइनली मैं QHT आया हूँ। अभी मेरा सर्जरी हो गया है तो मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन प्रोसेस के अंदर कोई पेन नहीं हुआ है सच मुझे। तो अबाउट 41 डेज फ्रॉम माई हेयर ट्रांसप्लांट नाउ। आप कम हैं फ्रॉम माई फर्स्ट PRP। तो अभी एक महीने का एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है 40 डेज का। और नेक्स्ट मंथ वापस से आता हूँ तब आपको वापस से एक रिव्यू देता हूँ। थैंक यू। Hi guys, I'm Varun Mansoor. I'm from Delhi. I'm basically a restaurant owner. So my lifestyle is such that I've got some real less of sleeping. Thoda sa drinks, teda meda khana peena, theek hai, aur bahut kam neend. To ye mere lifestyle ka part hai. So 4 mahine pehle ab se maine yahan pe Haridwar mein QHT clinic mein apna transplant karaya. 4 mahine pehle ka ye experience अच्छा रहा था। यानी मैंने जितना सुना था, जितना पेन होता है, पेनफुल प्रोसेस होता है और उसके बाद हेयर ग्रोथ उतना नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को अभी 4 महीने हो चुके हैं। इन 4 महीने में मेरा भी ग्रोथ शुरू हो गया है, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग मच मोर टू कम, क्योंकि 3 महीने तक मुझे डॉक्टर ने बोला था कि 3 महीने तक आप ग्रोथ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, 3 महीने आपके रूट स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा एंड ग्रोथ वुड स्टार्ट आफ्टर दैट, और अगले 1 साल तक ग्रोथ पीरियड चलेगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि पहले जिस तरह से मेरे कभी गुड 10 ईयर्स बैक, 12 ईयर्स बैक जिस तरह से मेरे बाल हुआ करते थे, सो आई कैन अगेन हैव दोज लॉन्ग लस्ट्रस हेयर बैक। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। सो द टेक्निक दीज पीपल यूज है वॉज QHT टेक्निक। सो ये पुराने मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है, इन द सेंस कि पहले क्या होता था, आपके बालों के जब वो ग्राफ्ट्स लेते थे, वो लेके थोड़ी देर उसे अलग रख देते थे, कुछ घंटे के लिए अलग रख देते थे, और उसके बाद फिर आपको इम्प्लांट करते थे। सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज ये अब बाल निकालने का प्रोसेस और अभी बाल उसे वापस से इम्प्लांट करने का प्रोसेस, वो हाथों हाथ साइमल्टेनियसली चलता है। सो हाउ डज दिस बेनिफिट माय हेयर? सो इससे बेसिकली जो आपका इम्प्लांट के बीच में, निकालने में और उसे वापस से इम्प्लांट करने में जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम हो गया। पहले जो कुछ घंटे हुआ करता था वो कुछ मिनट में, 5-10-15 मिनट में वो बाल आपको वापस से लगा दिए जाते हैं। सो दिस इज हाउ, इससे होता क्या है, आपका बालों का ये सर्वाइवल रेट जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो दिस इज द सेम प्रोसेस, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कभी चोट लग जाती है, आपकी उंगली कट जाती है फॉर दैट मैटर, तो आपकी उंगली आप जितनी जल्दी उसे वहाँ पे लगा के, जितनी जल्दी उसे फर्स्ट एड देने की कोशिश करोगे, वो उतने अच्छी तरीके से चिपक जाती है। आपने ये देखा होगा अपने आसपास में कभी ना कभी लाइफ में शायद। तो दैट इज द सेम प्रोसेस, आप जितना कम टाइम पीरियड आपके इम्प्लांट में लग रहा है आपके बाल को निकालने के बाद, उतने ज्यादा सर्वाइवल रेट आपके होते हैं। सो नाउ हेयर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। 4 महीने मेरे को हुए हैं, यू कैन सी माई कंडीशन। मेरे बाल जो हैं वो फ्रंट से बहुत ज्यादा डिप्लीट हो गए थे। माई हेयर लाइन हैज रेसीडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी मेरी हेयर लाइन भी ये लोग फॉरवर्ड लेके आए हैं, वॉल्यूम भी ठीक ठाक आने लग गया है अभी, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अगले 1 साल के अंदर आई कैन गेट माई गुड ओल्ड हेयर बैक। So I'll tell you about the process, how it happened. So I was in the surgical room, जो इनका operation theatre था, ठीक है। Seems बड़ा tough की operation theatre, but believe me, ऐसा कुछ नहीं था। During whole the time, मेरा surgery which happened for good 10 hours approximately, I had 3500 grafts. तो उस 10 घंटे के अंदर, to be honest, there were minimalistic times जब मेरे को pain महसूस हुआ। Almost all of the time I was under the effects of anesthesia. Doctors were very much caring in the sense कि जैसे ही मैंने कभी भी बोला that I'm feeling some pain, तो they gave me the anesthesia जिससे मेरे को pain कम हुआ। उसके बाद फिर यहाँ से मेरे को helpline से, इनके WhatsApp chat से, बहुत ज़्यादा WhatsApp chat पे इन्होंने एक बकायदा अपना पूरा process बनाया हुआ है, where in people would take care of you, would guide you after your surgery is done. तो उन्होंने बकायदा हमें यहाँ से medicines भी दिया था, guide भी किया। मेरे को कभी भी लगा कि अभी तकलीफ हो रहा है, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड दिस क्लिनिक इज हेयर इन हरिद्वार, तो मुझे ऐसा कभी भी प्रॉब्लम नहीं लगा दैट आई एम कमिंग हेयर हरिद्वार ये सारी चीज़ें करने के लिए, मेरे को पोस्ट ट्रीटमेंट हेल्प मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो आई वॉज गेटिंग ऑल द ड्यू केयर एंड गाइडेंस फ्रॉम देम। तो ये दवाइयाँ भी मैंने ले ली हैं इनके साथ, ठीक है। व्हाट एम आई डूइंग, बस शैम्पूज इन्होंने मेरे को कुछ दिए हैं, मैं वो शैम्पू से अपना हेयर केयर करता हूँ, कोई स्पेशल केयर नहीं है, ठीक है। पहले 7 दिन थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर स्कैल्प, ठीक है। बाहर नहीं जाना, थोड़ा सा अंदर घर में रहना है, गंदगी से दूर रहना है, विच इज़ प्रैक्टिकल इनफ।
लेकिन 7 दिन के बाद आई थिंक आई एम लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ। ये बाकी हेयर टेक्निक्स की तरह, बाकी चीज़ों की तरह नहीं है कि आपने विग लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है, वो लगाया हुआ है, दैट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ केयर इन सारी चीज़ों के लिए। दीज आर माई रियल नॉर्मल हेयर। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है एंड दे डू टेक केयर ऑफ यू आफ्टर यू आर ऑपरेटेड। सो ऑल द बेस्ट फॉर हूएवर इज सीइंग दिस। अगर आप ये कराते हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू वुड ऑल्सो हैव गुड रिजल्ट्स। सो अच्छा, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों को लगता है, हम दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि इफ़ वी वॉन्ट टू गेट दिस हेयर ट्रांसप्लांट डन तो बहुत ज़्यादा एक मेगा बजट आ जाएगा, मेरे को 3-4 लाख रुपए खर्चना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। द रीज़न वाई आई केम हेयर एट QHT, मैंने यहाँ पे देखा था कुछ अच्छे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवा के गए एंड दे हैव हैड गुड रिजल्ट्स। राजपाल यादव वॉज वन ऑफ देम। CID आप सभी लोगों ने देखा होगा, दया उसके अंदर सभी जानते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो वन थिंग वाज कि आई वाज श्योर कि यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिल सकते हैं। सेकेंडली, व्हेन आई कंपेयर्ड दिस विद अदर क्लिनिक्स, तो आई थॉट दैट दिस वॉज अ गुड ऑप्शन विच वॉज कमिंग इन माई बजट एज वेल। तो एक अच्छे बजट में एक क्वालिटी जगह जहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकें वहाँ पे डॉक्टर्स को, सर्जन्स को, आई थिंक QHT कैन बी द प्लेस फॉर यू। आप सब लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैंने यही किया एंड आई वुड सजेस्ट यू द सेम। सो दैट्स फॉर मी। मैं अगली बार यहाँ पे आऊँगा। अभी ये मेरा सेकेंड PRP सेशन है। मेरे सर्जरी को 4 महीने हुए हैं। मैंने लगभग 2 महीने पहले अपना फर्स्ट PRP सेशन लिया था। मैं अभी अपने सेकेंड PRP सेशन के लिए आया हूँ। तो डेफिनेटली इसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग मच मोर इम्प्रूवमेंट टू कम। सो अगली बार जब मैं आऊँगा 3rd टाइम, मैं आपको एक बार फिर वापस से अपने बारे में बताऊँगा एंड आई वुड शो यू हाउ माई हेयर हैज़ गेन्ड विद दिस ट्रीटमेंट। तो लेट्स होप द बेस्ट फॉर यू एज वेल। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।